आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। तो सबसे पहले हम कुकर में कटहल को डालेंगे। मीडियम साइज़ के मैंने कटहल काटे हुए हैं और इसमें डालेंगे बस नमक और इसको बॉईल करने देंगे। 1 whistle आने तक हमें इसको बॉईल करना है। मैं इसमें सॉल्ट डाल देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग और बस कुकर बंद कर दूँगी। 1 whistle आने देंगे हम। तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ रख दी है कढ़ाई। अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा तेल गरम हो रहा है, धुआं उठने की हम वेट करेंगे। और इधर मैंने 4 से 5 प्याज और साथ में अदरक लहसुन 1 inch का टुकड़ा अदरक का और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की साथ में पीस ली हैं। और इधर मैंने 4 टमाटर पीस के रखे हुए हैं। ये मैंने खड़ा मसाला लिया है, काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और जीरा। तो बस जैसे ही हमारा तेल गर्म होएगा हम अपने मसाले डाल देंगे, खड़े मसाले। उसके बाद हम डालेंगे अपना प्याज। प्याज डाल देते हैं। अब हमें प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है। प्याज अदरक लहसुन को इसका बिल्कुल भी कच्चापन इसमें रहना नहीं चाहिए, अच्छे से भूनेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने प्याज चलाते चलाते भून रही हूँ और साथ ही मैंने 2 आलू काट लिए हैं। तो एक अलग पैन रख दिया है, जैसे इसमें तेल गर्म होगा, सरसों का तेल ही मैंने इसमें यूज़ किया है। मैं इन आलुओं को शैलो फ्राई करूँगी, हल्का सा, मतलब हल्के से तेल में ही इसको थोड़ा पक भी जाएगा, फ्राइंग वाले इफेक्ट भी आएगा। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये 1 whistle के बाद हम इसको पानी से अलग कर देंगे, कटल को निकाल लेंगे और अच्छे से पानी को निचोड़ लेंगे। छलनी में डाल लेती हूँ तक कि अच्छे से निचोड़ जाए। फ्रेंड्स, हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसको हमें यूज़ करना है आगे कुकिंग में। और ये हल्का सा सूख जाएगा तो हम इसको भी, जैसे आलू फ्राई कर रहे हैं ना, इसी तरीके से हम कटल को भी फ्राई कर लेंगे। तो इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से इसको सुखा लेते हैं। हमारे आलू कुछ कुछ फ्राई हो चुके हैं, साथ ही मैं कटहल डाल रही हूँ तो सबका फ्राई होता रहेगा। दोनों चीज़ें चलाते रहेंगे। यहाँ पे हमारा प्याज बिल्कुल अच्छे से भून गया, इसका सारा पानी बिल्कुल सूख चुका है और बिल्कुल ये भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें डाल देते हैं अपने टमाटर पेस्ट, फिर मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। मैंने कुछ मसाले लिया, मैंने धनिया पाउडर 3 चम्मच, कच्चे जीरे का पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। तो हम इसको डाल देते हैं इसमें और पकाएंगे मसालों को अच्छे से। अच्छे से हमें पकाना है मसालों के साथ, और टमाटर भी पकेंगे और मसाले भी पकेंगे, खूब अच्छे से हम इसको पकाएंगे। साथ साथ हमें यहाँ भी संभालते रहना है, कहीं ये जल ना जाए, चलाते रहेंगे साथ साथ। देख पा रहे हो कटहल के पीसेस पर भी कलर आ रहा है, गल भी गया अच्छे से बॉईल करने से और अब इस पर कलर भी आ रहा है, मतलब कि हमको डीप फ्राई नहीं करना पड़ा और हमारा कम तेल में ही सब्जी अच्छी बन जाएगी, बिल्कुल टेस्टी। इसको हमें लगातार चलाते रहना, बस ये ध्यान रखना। ये वो पानी है, इसमें मैंने कटहल बॉईल किया था, ज़रा सा पानी डाल के थोड़ा सा मैं ढक दूँगी टमाटर गलने तक। तो हम इसको ढक के रख देते हैं एक बार मिक्स करके और बीच में संभालते रहेंगे। ये हमारा भुन गया, अब मैं इसे बंद करके अलग निकाल के रख देती हूँ पैन से बाहर। यहाँ पे हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, मसाले अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि ऑयल बहुत कम डाला था इसलिए ऑयल भी बहुत कम ही सेपरेट आउट हुआ है, जो कि कैमरे में भी विजिबल हो भी नहीं रहा। तो अब हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। वो कैसे लेके जाएंगे, अगर आपको सिंपल बनाना है तो बस आप इसी में ही अपनी कटहल और आलू डाल के पका लें। बट मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैंने कुकर रख दिया है जिसमें मैंने बॉयल किया था कुकर में, उसी को दोबारा से गैस के ऊपर रख दिया है और उसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। आप ऑयल में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी डालेंगे कश्मीरी मिर्च और तुरंत की तुरंत अपना ये तड़का जो है इसमें डाल देंगे। अब हम अपनी सब्जी को, जो है कटहल की सब्जी को, 1 whistle जितना पकाएंगे या फिर खुला छोड़ के पका सकते हैं।
मैंने वही कटल वाला पानी डाल दिया है और ये सारी कटल डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर खोल लिया है, कटल निकाल ली है। मज़ेदार हमारी कटल हल्की सी ग्रेवी वाली बिल्कुल रेडी है। और इसके ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, रोस्टेड कसूरी मेथी, जो इसके फ्लेवर को और भी बढ़ा देगी। तो इसको आप राइस के साथ, लच्छा पराठा, पराठा, चपाती सबके साथ खा सकते हैं। तो इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को, ट्राई कीजिए और अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। गाइस थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।